लारेब के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है कि लारेब ने तालिबान के कई वीडियो देखे थे। गर्दन काटने वाले वीडियो से प्रभावित था लारेब हाशमी। कंडक्टर हरिकेश की गर्दन काटना चाहता था लारेब। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि वीडियो देखकर घर में काटने की प्रैक्टिस भी कर रहा था लारेब। लारेब ने पुलिस से पूछताछ में ये तमाम बातें कबूल की हैं। फिलहाल न्यायिक हिरासत के अंदर है लारेब हाशमी और उसकी तबीयत में कुछ सुधार के बाद उसे जेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज में बस कंडक्टर हरिकेश पर हमला करने वाले लारेब हाशमी के मामले में कई चीजें, कई तथ्य सामने आए हैं और ये खुलासे हुए हैं पुलिस से पूछताछ में। आपको हम तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। लारेब का बड़ा कबूलनामा, तालिबान के वीडियो देखकर उसने हमला करने का प्लान बनाया था। हमले में उसने गर्दन काटने वाले वीडियो भी देखे थे और कंडक्टर हरिकेश की गर्दन वो काटना चाहता था। YouTube हिस्ट्री में ये तमाम चीजें सामने आई हैं कि लारेब हाशमी तालिबान के वीडियो देखता था और खासतौर पर वो वीडियो देखा करता था जो गर्दन काटने जैसे घटनाओं से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर उसने हमला किया था और वो हरिकेश की गर्दन काटना चाहता था। ये बेहद खौफनाक जो तस्वीर है ये सामने आ रही है, खासतौर पर लारेब हाशमी से पूछताछ के दौरान कि किस तरीके का खतरनाक प्लान लारेब हाशमी ने बनाया था। और इन तस्वीरों के साथ ही आपको बता दें कि अतीक अहमद जिस तरह की बातें करता था और जिस तरह की बातें उसने आज भी वो लारेब हाशमी जैसे लोगों को प्रभावित करती हैं, वो सामान्य बातें नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करती हैं। और उसके बारे में विश्लेषण करें तो उससे पहले आज लारेब ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या हमको नहीं बोले थे वो, दूसरे लोग से बोल रहे थे, पब्लिक भी तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से मारने की रहता था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खड़े मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे। हम उस वक्त गुस्सा चढ़ा रहे थे, जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे? सर ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर, तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था तो उनके लिए बोले। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में? बोल दिया नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्सा लोग, इसलिए इनके बर्थडे भी थोड़ी जी थी तो उनके लोग बोल दिए। भी तो उनका लोग सबका मानते हैं तो, लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया? वो पंजाबी बोलते हैं तो हम थोड़ा सुनकर पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको? हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेली हैं इसलिए फॉलो करते हैं। आपको जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए भी जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनके उनका जिक्र भी किया था क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, इसीलिए निकाला। तो पुलिस से पूछताछ में लारेब हाशमी क्या कुछ कह रहा है वो हमने आपको सुनवाया और आरोपी लारेब हाशमी को अब जेल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, डॉक्टर्स के मुताबिक आरोपी लारेब हाशमी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और इसीलिए उसे SRN अस्पताल से जिला कारागार अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और बीते शुक्रवार को आरोपी लारेब हाशमी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसके बाद उसका RSN अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब उसके अस्पताल में सुधार में के बाद उसे जिला जेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लारेब हाशमी से पूछताछ में जिस तरीके से ब्रेन वॉश का खुलासा हुआ है, जिस तरीके से इसकी परत दर परत निकलती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो तालिबान से लेकर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कट्टरपंथी गुट है उनसे प्रभावित नजर आ रहा था। पुलिस की तफ्तीश में पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जिस तरह से ये पूरा वीडियो सामने आया था इसका, इसके बाद से ये तमाम तथ्यों की जांच चल रही थी कि क्या इसने केवल गुस्से में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया या इसके पीछे इसकी सोची समझी रणनीति थी। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसने कोई गुस्से में आकर ऐसी घटना तुरंत नहीं की है, इसने बाकायदा उसकी रैकी की, इसने बाकायदा जो है इंतज़ार किया और वेल प्लान करके उसको पूरी तरह से प्लानिंग करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले बाकायदा तालिबान के तमाम वीडियोज़ देखे जिसमें
उन्होंने गर्दन जो है वो सर से अलग धड़ से अलग कर दी जा रही है। इस तरह के वीडियो देखिए चापड़ जो है उस कैसे चला रहा है, इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की, चूँकि इसके यहाँ ऑलरेडी जो है इसके जो फादर थे वो पोल्ट्री फार्म का जो है बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इसने चापड़ जो है वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की कि कैसे इसको प्रॉपर चापड़ चलाना है ताकि एक बार में ही पूरी तरह से असर हो जाए, पूरी जो है गर्दन कट जाए। हालांकि ये जरूर चूक गया और बस कंडक्टर की किस्मत थोड़ा सा अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, तो अब एक चीज और निकल के आ रही है इस पूरे मामले में जांच में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो जो वुल्फ अटैक है जो लगातार उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें गोरखपुर के बाद ये दूसरी घटना जो इस तरह से की गई है, जो क्योंकि इस बारे में भी ये कह रहा है, इशारा कर रहा है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर कहना है कि मैं गुनहगार को जो है उसकी गुस्ताखी की सजा दे रहा हूँ। मतलब साफ है कि वो उसको गुनहगार मानता है हरिकेश को, ना कि वो केवल लड़ाई आपसी विवाद नहीं है कि केवल 10 रुपये के लिए आपसी विवाद हो गया और उसमें जो है मार दिया, नहीं, वो बकायदा इसको ये देख रहा है कि हरिकेश इस्लाम के खिलाफ है, एक धर्म विशेष के खिलाफ है, और इसलिए उसको सजा देने के लिए इसने बीड़ा उठाया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल विशाल, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इसे रेज मर्डर नहीं कहा जा सकता, इसे रेज अटैक नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक सोची समझी घटना है जिसे लारे भाशमी ने अंजाम दिया। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरोपी लारे भाशमी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लारे ने कंडक्टर पर किया था लोन वुल्फ अटैक, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को यह अहम जानकारी मिली है। दरअसल आतंकी लोन वुल्फ अटैक के जरिए अकेले ही कई लोगों को मारने के लिए प्लान बनाते हैं, और इस तरीके की कई घटनाएं दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिली है कि इस तरीके से अपने अंदर गुस्से को भर कर बैठा एक शख्स लोन वुल्फ अटैक को, यानी अकेला ही उसकी योजना बनाता है, अकेला ही इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, और कुछ इसी तरीके की परिपाटी के ऊपर चलता हुआ लारे भाशमी इस घटना के अंदर नजर आ रहा है। एक बार फिर रुक करेंगे, विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, लोन वुल्फ अटैक की भी जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे, अब पुलिस और जांच एजेंसियां का फोकस क्या है और इसके जरिए क्या कुछ और कड़ियां जोड़ने की भी कवायद की जा रही है? देखिए, अभी तक की जो जांच है उसमें ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि एक मौलाना जो पाकिस्तान का है, जिसकी मौत हो चुकी है, उसके जो तकरीरें थीं, उसकी जो तमाम बातें थीं, उनसे ये प्रभावित था और इसने इस बात को कबूला है। जब कल हमने इससे बात किया तो इसने इस बात को कबूला कि हाँ, मैं उनसे आइडियोलॉजी जो है उनकी और हमारी एक जैसी है और इसीलिए मैं उनको जो है सुनता हूँ, उनको मानता हूँ। लेकिन जो ये पूरी प्लानिंग की है उसने, इसमें उसने बार बार 2-3 बार कहा कि मैंने गुस्ताख को उस सजा देने के लिए बीड़ा उठाया, और उसने इस बात का भी जिक्र किया कि हमसे ज़्यादा नहीं हुआ, बगल में हमारे जो लोग थे उन लोगों से बदतमीजी कर रहा था। मतलब साफ है कि इसने जो लोन वुल्फ अटैक की जो बात आ रही है, अगर आपको याद होगा तो गोरखपुर में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी, अकेला व्यक्ति था जो गोरखनाथ मंदिर की तरफ। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल रघुवंशी, आप नज़र बनाए रखें इस खबर पर, और इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको Zee News पर। Zee News.